हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो यूटेट सीटेट में पूछे गए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है सोहनलाल द्विवेदी और डी है सुमित्रा कुमारी चौहान। देखिए दोस्तों, जो वंदे मातरम के रचयिता हैं वे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है विष्णु शर्मा और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए दोस्तों, जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जूही की कली किसकी रचना है? ए ऑप्शन है प्रसाद की, बी है पंत की, सी है निराला जी की, डी है महादेवी वर्मा की। तो देखिए दोस्तों, जो जूही की कला है ये निराला जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ए ऑप्शन है प्रसाद, बी है पंत, सी है हरिवंश राय बच्चन और डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो देखिए दोस्तों, जो क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्रलेखा किसकी रचना है? ए ऑप्शन है वृंध्यावन लाल वर्मा की, बी है कमलेश्वर की, सी है नागार्जुन की और डी है भगवती चरण वर्मा की। तो जो चित्रलेखा है ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है? ए ऑप्शन डरा देना, बी है हिम्मत पस्त करना, सी है हिला देना और डी है सताना। देखिए दोस्तों, जो छक्के छुड़ा देना मुहावरे है इसका अर्थ होता है हिम्मत पस्त कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाय किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है जापानी भाषा, बी है यहाँ पे चीनी, सी है पुर्तगाली और जो डी ऑप्शन है वो है रूसी भाषा। ठीक है दोस्तों, तो जो चाय है वो चीनी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसका ऑप्शन जो बी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए ऑप्शन है ऊपरी, बी है अफीम, सी है एकादश और डी है कृषि। तो देखिए दोस्तों, तद्भव और तत्सम हमेशा पूछ जाते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं, और जो तद्भव होते हैं वो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप यानी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है। तो देखिए, जो यहाँ पे अफीम है, अफीम तद्भव और तत्सम, यहाँ पे अफीम तद्भव है, क्योंकि अगर हम अफीम के तत्सम की बात करें तो अफीम का तत्सम जो होता है वो अहिफेन, इसका तत्सम अहिफेन कहलाता है। अफीम को तत्सम में अहिफेम कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए स, बी सच, सी है सत्य और डी है सत्य। देखिए दोस्तों, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो यहाँ पे जो सत है सत्कार में, तो यहाँ पे सत जो उपसर्ग है वो यहाँ पे सही है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, जो उपसर्ग है वो आगे जुड़ते हैं जबकि जो प्रत्यय हैं वो पीछे जुड़ते हैं, तो राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय पूछा गया है? यहाँ पे ए ऑप्शन है अ, बी है य, सी है ई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ट्री आ रहा है तो ई य, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हमारा वो सही है, क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं वे पीछे जुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ए ऑप्शन दिया गया हित प्लस सी, बी दिया गया है सदा प्लस एव, सी दिया गया है वन प्लस औसत और डी दिया गया है महा प्लस औज।
तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि हित प्लस सी कुछ होता नहीं है। अगर हितेशी होता तो हित प्लस ए सी बनता है, हितेशी। अगर हम सदा प्लस ए की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सदा प्लस ए होता है सदैव, और वन प्लस औसत बनता है वनोसद, और जो डी ऑप्शन दिया गया है महा प्लस औज, ये बनता है महोज। तो यहाँ पे हित प्लस सी गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हित प्लस ए सी होना चाहिए था, तब बनता है हितेशी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सही नहीं है इसका संधि विच्छेद। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कारक के भेद होते हैं, कारक के भेद होते हैं 8, 5, 6 या 7। तो देखिए दोस्तों, जो कारक है, कारक के 8 भेद होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा, ए ऑप्शन है सत्य प्लस अर्थी, बी है सत्य प्लस अर्थी, सी है सत्य प्लस सत्या प्लस अर्थी, और डी है सत्या प्लस थी। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे सत्यार्थी है उसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य प्लस अर्थी होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्तव्य में प्रत्यय बताइए, कर्तव्य में प्रत्यय बताइए। ए ऑप्शन है तौ, बी है तव्य, सी है या, और डी है ती। ठीक है दोस्तों, तो जो कर्तव्य है इसमें देखिए प्रत्यय, मैंने बताया था कि प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं, तो यहाँ पे कर्तव्य तव्य बनेगा। तो यहाँ पे देखिए तौ तो लास्ट में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तव्य बना है, या भी को है ही नहीं इसमें, और ती भी नहीं है, तो यहाँ पे बनेगा तव्य। देखिए जो प्रत्यय होते हैं इसको अगर आप पीछे से तोड़ो तो इसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पे देखो कर्तव्य दिया है तो या तो हो ही नहीं रहा है, कर्तव्य व्य दिया है, तो का ए ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है, और जो डी है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे ती लिखा है इसमें, तो कर्तव्य ती तो है नहीं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा देखने से ही पता लग जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलन, ईर्षा, कूड़न किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए ऑप्शन है डाह के, बी है प्रेम के, सी है उपासना के, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो जलन ईर्षा कूड़ा है इसका एक पर्यायवाची ये भी है, डाह भी होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? ए ऑप्शन है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, बी है भाषा सिखाने के लिए व्याकरणीय नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, सी है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, और डी ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन सही है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वलीन विकार ऑस्टेटिक डिसऑर्डर में बच्चा ए है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, बी है सामाजिक अंतःक्रिया का संवेषण की कठिनाई का अनुभव करता है, सी है अक्सर खाने से मना कर देता है, और डी ऑप्शन है अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो जो स्वलीन विकार है इसमें जो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल एस वाई गोत्स्की के अनुसार ए ऑप्शन है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, बी है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, सी ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं, और डी ऑप्शन है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो जो एल एस वोक्सी है इनके अनुसार भाषा एवं चिंतन है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तर्क उचित नहीं है? ए ऑप्शन है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बी है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, सी ऑप्शन है बच्चों को शब्द भंडार के विकसित के अवसर प्राप्त होते हैं, और डी ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है।
तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाष पाठ योजना में मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ए ऑप्शन है कम से कम 3 प्रश्न हो, बी है प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो, सी है प्रश्न उद्देश्यनिष्ठ हो और डी है यह सभी। तो देखिए दोस्तों, जो पाठ योजना है, पाठ योजना के मूल्यांकन में कम से कम 3 प्रश्न भी होने चाहिए और प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ भी होने चाहिए और प्रश्न उद्देश्यनिष्ठ भी होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार रूप हैं। ए ऑप्शन है धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियाँ, बी है चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियाँ, सी है घटना प्रधान कहानियाँ, डी है ये सभी। तो जो यहाँ पे शैली और उद्देश्य की दृष्टि से अगर हम कहानी देखें तो वो धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियाँ भी होती हैं, चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक भी कहानियाँ होती हैं और घटना पर भी आधारित कहानियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी ये सभी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या एक बोलने और सुनने दोनों की विशेषता है? देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से क्या एक बोलने और सुनने दोनों की विशेषता है। ए है शुद्ध उच्चारण करना, बी है ध्वनियों का विभेदीकरण करना, सी है रेडियो सुनना और सी है रेडियो सुनना और डी है ये सभी। तो देखिए दोस्तों, जो बोलने और सुनने दोनों की विशेषता है वो है शुद्ध उच्चारण करना। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। ए है वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, बी है विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, सी है कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य क्या होना है? ए ऑप्शन है वो आलसी होता है, बी है प्रभावी शिक्षण, सी है शिक्षक रटने पर अधिक बल देता है और डी है उसे अधिकारी का आदेश होता है। तो देखिए दोस्तों, जो पाठ योजना तैयार किया जाता है उसमें शिक्षक का उद्देश्य होता है कि जो शिक्षण है उसको और भी प्रभावी बनाई जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, प्रभावी शिक्षण। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की ओर। भाषा शिक्षण के दौरान कौन सी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? भाषा शिक्षण के दौरान कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? ए है मॉल्टेसरी, बी है डॉल्टन, सी है प्रोजेक्ट और डी है नाटक। ठीक है दोस्तों, देखिए जो यहाँ पर भाषा शिक्षण के दौरान जो छोटी कक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है ये बड़ी कक्षाओं में ही समझ में आता है, छोटी कक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट उपयोगी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाली भाषा होगी। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, बी है मातृभाषा, सी है आधुनिक भाषा और डी है विदेशी भाषा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा जो छोटी क्लास है तो छोटी क्लास में आप अगर मातृभाषा ही पढ़ाते हो तो वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी भाषा में जल्दी किसी चीज़ को सीख जाते हैं। तो यहाँ पे हम विदेशी भाषा भी नहीं पढ़ा सकते हैं, आधुनिक भाषा भी नहीं पढ़ा सकते हैं और राष्ट्रीय भाषा भी नहीं। तो यहाँ पे आएगा हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है, मातृभाषा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा में प्रवेश में भाषा अर्जित करते हुए ए ऑप्शन है लक्ष्य भाषा को अपनी भाषा से तुलना करते हैं, बी है धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, सी है जो शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचान लेते हैं और डी ऑप्शन है व्याकरण नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्धिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता एवं व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है सामान्य शब्दों का अर्थ पूछना, बी है कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, सी है सरल शब्दों का अर्थ पूछना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो बौद्धिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा कौशल की प्रवीणता है इसको मूल्यांकन करने के लिए कठिन शब्दों का अर्थ पूछना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें ए है गाने का अभ्यास कराया जाए, बी है काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए,
सी है व्याकरण का ज्ञान दिया जाए और डी है ये सभी। तो देखिए दोस्तों, जो बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण के दौरान प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है। ए ऑप्शन है उद्देश्य, बी है क्रियाशीलता, सी है रोचकता और डी है ये सभी। तो देखिए दोस्तों, जो भाषा शिक्षण के दौरान जो प्रायोजना विधि है, इसमें उद्देश्य भी होना चाहिए, क्रियाशीलता और रोचकता सभी सिद्धांत होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो यूटेट सीटेट में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।